तो मैम एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे सेशन के दौरान, जो मुझे एक और एक्स्ट्रा एक थॉट आया माइंड में, दैट वाज कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एफिलिएट्स हैं, राइट, इस टाइम पे मैक्सिमम जो उनका इंट्रैक्शन होता है या तो वो कॉल पे हो रहा है, एंड थोड़ा बहुत जो होता है वो कभी वेबिनार्स में होता है, बट मेजरली कॉल पे हो रहा है, तो फोन कॉल फोन कॉल। तो जब उनको अपने लीड्स के साथ बात करनी होती है, तो उस टाइम पे वो कैसे एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल, जिससे कि सामने वाला पर्सन जो है वो रेडी हो उनके थ्रू परचेज करने। Fantastic, very good question, Rohit. So in fact, मैं call center में भी training कर चुकी हूँ. HDFC Securities and Kotak Securities are one of my biggest clients. तो उनका जो backend है, मैंने उनको भी train किया था. So there are two main things जो आप लोग कर सकते हो. एक, आप किसी भी call center के setup में देखिए, जो 8-8, 10-10 घंटे calls लेते हैं, उनके सामने ना हमेशा एक छोटा सा कांच का टुकड़ा रहता है. There's a small mirror जो उनके सामने होता है. That is, you know what? कि जब जब आप अपनी शक्ल देखें, खुद को स्माइल कीजिए. चेक योर इमोशनल टेम्परेचर. एक तो फिजिकल टेम्परेचर होता है, चेक योर इमोशनल टेम्परेचर. आर यू फ्रस्ट्रेटेड? आर यू फीलिंग वेरी लो? और आर यू सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी? बिकॉज प्लीज एक चीज याद रखिए, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर एनर्जी बींग्स. आप सबको आपके जो चैट में मैं देख सकती हूँ, रिप्लाईज देख के पता चला कि कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी थी जो मैं ट्रांसफॉर्म कर पाई, चाहे वो वर्चुअली हो थ्रू दिस कैमरा लेंस इन फ्रंट ऑफ मी. अगर मैं ऐसे ही खड़ी होती हूँ कि ठीक है, आज हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करीबन 90% ऑफ द कम्युनिकेशन हम में ऐसे ही होते हैं, आई एम श्योर जिससे स्पीड से लोग ज्वाइन कर रहे थे ना, उससे डबल स्पीड से लोग लॉगआउट करके हो जाते हैं, यार आज किसको बुला दिया हमने. अब आप ये सोचिए कि ओके, इफ यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन टू माई कॉन्वर्सेशन, वेन यू स्माइल एंड से हेलो, द अदर पर्सन नोज दैट कुछ तो डिफरेंट है. यू ट्रांसफर दैट एनर्जी इन टोन ऑफ योर वॉइस. तो जब हम ये जो मैंने 7, 38 और 55% का जिक्र किया था, इवन ऑन द टेलीफोन कॉल योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स. बिकॉज लेट से फॉर 1 मिनट हम ऐसे झुक के बैठ जाएं, 1 मिनट तो बैठा जा सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में कंधे दर्द करेंगे. और कैसी आवाज होती है जब बॉडी में दर्द होता है? थके हुए, नो एनर्जी, नथिंग. So in fact, if you want to have energetic calls, like मेरा ये तरीका है, one, मैं चल के calls लेती हूँ, एक energy momentum बना रहता है. I clap, I rub my hands, I will stretch my body ताकि और oxygen मेरी system में जाए और energy levels मेरी बढ़े. तो main speakers आप ले लो, public speakers, artists, अपनी performance के पहले they give themselves the energy boost. So for those who are on telephone, it does not matter that you are on the phone. Dress up होइए, तैयार होइए, जैसे person face to face आपके सामने बैठा है. एक बीच में trend निकला था कि अरे casual dressing करके office में जाओ, हम तो IT वाले, हम तो किसी को face to face मिलते नहीं. They changed the policy because with casual clothing came casual attitude at work. So if you believe your call is worthy enough to make the change, act and be that change. राइट. सो मेरी टिप ये रहेगी, फोन पे येस, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अपने आपको हाइड्रेट रखिए, कॉल का एक प्रोसेस बनाइए, ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट वगैरह टेक्निकली उसे वर्क कीजिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ब्रेथ आउट पे बात कीजिए. सो ब्रीद इन पे, हाई दिस इज दीपा पड्डा कॉलिंग फ्रॉम बिज गुरुकुल. ये कहीं ना आवाज एकदम हाई पिच सुनाई देती है, जैसे आप नर्वस हो या फटाफट अपना सेंटेंस खत्म कर रहे हो. ऑलवेज स्पीक ऑन आउट ब्रेथ. So you breathe in. जब आप सांस बाहर छोड़ देना, Hi, my name is Deepa Kaur and I'm calling on behalf of Biz Gurukul. Is it a good time to talk to you? Lower bass tone में आपकी आवाज ज्यादा confident और ठहरी हुई सुनाई देती है, which is what people want to hear. So this would be my 2 tips. 1, keep a mirror in front of you for emotional check. 2, speak on the out breath. Wow, lovely. That was simply great. एकदम पावर पैक्ड आंसर एज ऑलवेज. इनफैक्ट रिसेंटली ये जो ड्रेसिंग सेंस वाला आपने पॉइंट बताया, ये बहुत अभी कुछ टाइम पहले नो मैंने कहीं से सीखा था. एंड उससे पहले मेरा भी थोड़ा सा वो एटीट्यूड था, यू नो लॉकडाउन में तो वेबिनार दे रहे हैं, ऊपर सूट पहने, नीचे शॉर्ट्स पहने, मस्त एकदम वेबिनार दे रहे हैं, ठीक है. लेकिन जब से मैंने फिर कंप्लीट ड्रेसअप होना स्टार्ट किया, उसके अंदर द इम्पैक्ट वॉज टोटली डिफरेंट. मुझे खुद लगा ये क्या. So in fact, आप नोट कर रहे हैं, राइट नाउ ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग द सेशन. आई ऑलवेज डिलीवर ऑल माई सेशन स्टैंडिंग, बिकॉज 8-8 घंटे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने का इतना एक्सपीरियंस है, मैंने कहा वर्चुअल क्यों डिफरेंट हो,
मेरे में वो मेरी बॉडी लैंग्वेज तभी दिखाई देगी व्हेन आई एम ऑन माय फीट, और कभी लीडरशिप के सेशंस होते हैं कुछ होते हैं इवन व्हेन माय शूज एंड स्टैंड. वाओ, तो वो बोलता है कि ये हमारा पहला सेशन है जहाँ पे ट्रेनर एक्चुअली खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. सर, वो इम्पैक्ट दिखा है यहाँ पे. Yes. वाओ, मैंने आपको बोला जैसी बिल्कुल हमें ऐसे लगा बिल्कुल हम घर में बैठे हैं, यू नो, the kind of enjoyment that you are having here, you know, it's all making all of us enjoy this session. So good. This was simply great. एक रिप्लाई जो मैंने बहुत सारे लोगों से भी देखा मैम, Q&A पार्ट में भी एंड चैट में भी, जब आप कॉल के रिगार्डिंग बता रहे थे, तो कई लोग इस चीज को लेके कंसर्न्ड हैं कि हमें जो हमारा लिसनर है, हमारा लीड है, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो हमें नहीं दिख रही है, तो ऐसे केस में हम कैसे उनसे बात करें, कैसे जज करें, कैसे चेक करें? ये डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे, लाइक आपकी एवरेज कॉल रेटिंग कितनी है. लाइक मैं जिस ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ, आई डू 100 कॉल्स, मुझे पता है 40 काइंड ऑफ रिप्लाई करेंगे, 10 फनल में जाएंगे, मुझे 3 से बिजनेस मिलेगा. तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है ये हेल्प करेगा आपको बताने के लिए कि वेदर दिस इज अ यस और नो. सो द मोर बॉडी लैंग्वेज यू प्रैक्टिस, द मोर इंट्यूशन इन यू ग्रोस. तो आप सामने वाले की आवाज सुनकर ही उसका डिसीजन बता सकते हैं ये यस है या नो है. बाकी पर्सिस्टेंस इज द की. ओके, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर इन एन इंटेंस इंटरव्यू, हाउ टू मेक दैट पर्सन अट्रैक्ट टू माय सेल्फ. How to make person attract to myself? One, two things that truly make you attractive is when you listen. Speak less, meaning speak effectively, but listen more. Because जब हम सामने वाले को सुनते हैं तो सामने को लगता है yes, इसने मुझे ध्यान दिया, इसने मेरी बात समझी, and that is the best feeling you can give. Two, remember name. आपका जो person interview आपका ले रहा है उनका नाम याद रखिए. तीसरी tip मैं ये दे सकती हूँ कि आपकी एनर्जी जो है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अगर दैट्स द टॉपिक, मेक श्योर यू आर एनर्जाइज्ड, यू आर नॉट डल सिटिंग, एकदम बी एनर्जेटिक. दैट्स द बेस्ट वे यू कैन अट्रैक्ट समवन, हैव स्माइल ऑन द फेस, यूज ओशो ओपन पाम, शो योर कॉन्फिडेंस. दैट वुड बी माय टिप. और जब हम किसी जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और काफी इंटेंस इंटरव्यू है, और उस टाइम पे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, हम कैसे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करें? Influencing through body language, one would be confidence दिखाने के लिए. ये काफी I think आपको पता होगा, but that is something called as steeple pose. तो जो हमारी पेट में जो navel है ना, उसे समझ लीजिए कि there is a table there और वो आपका resting point है. You join all your thumb together, fingertips together, and now you present. So ये जो body gesture है, जबकि सामने हमें देखता है, हमें लगता है अरे क्या confidence है, दीपा को तो सब कुछ पता है. मैं भले कॉन्फिडेंस के मारे मेरा हार्ट बीट मुझे खुद को सुनाई दे रहा हो, नीज मेरे शिवर कर रहे हो, प्यास लगी हो, पर सामने वाले को ये वो एक स्टेटमेंट आती है ना, मेक इट टिल यू फेक इट. सो अपीयर कॉन्फिडेंट, सिट बोल्ड, ओके, शोल्डर्स रिलैक्स, चिन थोड़ी सी अप, एंड यूज दिस एज अ बेस पॉइंट. तो आप इसको काफी स्टाइल में यूज कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो रेस्ट माई वन हैंड एंड So the point I was trying to say was, or what I want to present here is, or my final statement to you would be, rather than doing this, ya file haath mein se pakad ke baithe ho, ya apne thighs pe you are rubbing your hands, ya kursi ko ekdam tight pakadne baithe se acha practice steeple pose. I guess this should help you influence with your body. Indeed. I was just visualizing all of this because I take a lot of interviews. तो मुझे वही याद आ रहा है कि जिन जिन कैंडिडेट्स को हमने रिजेक्ट किया था, दे ऑल वर हैविंग दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज ओनली. कोई एकदम श्रिंक करके बैठा है फाइल के साथ, कोई फाइल छोड़ ही नहीं रहा. मैंने बोला हटा दो इसको, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, वो तब भी नहीं छोड़ रहा है. सो इट वाज इंस्टेंटली हम वहां पे जज कर पाए थे. दिस इज सो प्रैक्टिकल. दिस इज सो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरव्यू रूम जाने से पहले ना, टेक अ वेरी डीप ब्रेथ and now enter. और हमेशा एक anchor statement रखिए अपने साथ. So to be honest, like I'm Punjabi, I'm a Sikh. I will always say वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. अब जो होना है हो जाए. I am gonna give my best shot. जो बोले सोनेहाल सश्रीयकाल. जो बोले सोनेहाल सश्रीयकाल, हो जाए अभी, चलो. So काफी जनों को मैंने देखा, you know, कई लोग कहते हैं so be it. कई लोग बोलते हैं this is it, your this is my day. Say something which is an anchor statement के बस इसके बाद you will only see the best version of my personality. जैसे उसके बाद घर पे आओ, do whatever, doesn't matter, but that moment when it's important, you better perform. Wow. जैसे मेरा एंकर रहता है, जो होगा देखा जाएगा, let's do it.
लेट्स डू इट एंड बस शुरुआत कर लो. वाह परफेक्ट.